Yes. Okay, just wait for a few people. Others, anybody online? No, nobody's. Okay, we'll wait for a minute or two, no problem. Yeah, four people. Four? Ten. Yeah, it should start. 17. Okay. 22. Maybe echo one more minute and then we'll start. Yeah, 45 people now. 50, 60. ओके लगता है सौ लोग के करीब लाइव आ चुके हैं. सो नमस्कार, माय नेम इज वरुण विजय राव. आई विल ट्राई एंड स्पीक इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. तो जिन जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती है उनके लिए हिंदी, और जिनको हिंदी समझ नहीं आती है उनके लिए अंग्रेजी. एंड अगर कोई मतलब मैंने गलती कर दी तो माफ कर देना. तो पहले तो आशा है कि सब लोग घर पे हैं एंड आई होप यू आर सेफ एंड हेल्थी. ये जो पैंडेमिक है, जैसे कि आपको पता है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस. So please stay home, and this is the beauty of Amul. We are able to stay home and घर पे ही अपना खाना बना सकते हैं. तो आप आज जो है, मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रेसिपी बना रहा हूँ, and it is called mac and cheese. Now ये mac and cheese जो है बच्चों का बिल्कुल फेवरेट है. आपके बच्चे जो जो भी खाते हैं नॉर्मली, I guarantee they will love this dish. हमारे घर में बच्चे अगर ये बन गया तो समझो हमको नहीं मिलेगा. ओनली दे विल बी ईटिंग इट ऑल द टाइम. एंड ये जो मेरी बड़ी बेटी है ये बनाती है. वी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल अंडर द शेफ प्रेनर. चैनल का नाम है द शेफ प्रेनर, जैसे मेरे एप्रन पे लिखा है. तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए. वहां पे 100-150 करीबन रेसिपीज हैं. और चैनल पे जो है यही डिश अमारा, जो मेरी बड़ी बेटी है, उसने बनाया है. तो अगर आप कुछ स्टेप मिस कर गए आज, डोंट वरी. आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे पूरा रेसिपी डिटेल्स और इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटीज सब कुछ वहां पे, ठीक है. तो शुरू करते हैं. पहले तो गैस ऑन कर दें ताकि हमारा पैन गर्म हो जाए. जब तक ये गर्म हो रहा है मैं आपको समझा दूं. यहां पे आई हैव 250 ग्राम 250 ग्राम ऑफ एल्बो पास्ता विच इज मैकरोनी. एंड ये पास्ता जो है 250 ग्राम जब सूखा है, मतलब बिफोर कुकिंग, दैट्स व्हेन इट्स 250 ग्राम. इसको आप पकाने के लिए आप उबलते हुए पानी में 8 मिनट के लिए नमक के साथ, सिर्फ नमक और कुछ नहीं, पका दीजिए और पानी निकाल के साइड में रख दीजिए ताकि ये आपके लिए तैयार है, ठीक है. एंड अब तक थोड़ा और भी गर्म होना है तो आपको दिखा दूं जो अमूल प्रोडक्ट्स हम घर पे यूज करते हैं, काफी सारे यूज करते हैं. मेरे वाइफ जो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डिजर्ट बनाते रहते हैं. तो शी यूजेस ऑल ऑफ दीज चॉकलेट्स. यहाँ पे रेगुलर चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, हर किस्म का चॉकलेट है. और लास्ट टाइम ये मेरा तीसरा बार है अमूल पे. सो थैंक यू अमूल वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम ग्लैड यू लाइक माई रेसिपीज. एंड अमूल ने जो मैंने लास्ट लाइव किया उसके बाद दो तीन चीजें भेजे भी एज ए गिफ्ट. सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल. तो यहाँ पे ऑब्वियसली चॉकलेट है, पीनट स्प्रेड, अमूल का बटर तो सबको पता है, दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग टुडे, अमूल बटर, अमूल मिल्क, एंड चीज स्प्रेड. और यहाँ पे अमूल मस्ती का जो बटर मिल्क है बहुत ही बढ़िया है. ट्राई नहीं किया तो ट्राई कीजिए. ये मेरा फेवरेट अमूल प्रोडक्ट है आउटसाइड ऑफ बटर एंड चीज एंड क्रीम. तो ये जो सारे चीजें हम रेगुलर यूज करते हैं घर पे. एंड यहाँ पे विल कम बैक टू आवर कुकिंग प्रोसेस. तो हमारा जो पैन है गर्म हो चुका है एंड ये आप मीडियम फ्लेम पे रखिए, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास दो कटोरियां हैं. इसमें जो है मैंने सिर्फ बटर, अमूल बटर जो है ब्लॉक बटर, यहाँ पे यू कैन सी द बटर ब्लॉक, उसको मेल्ट करके 15 सेकेंड माइक्रोवेव में डाल दिया, मेल्ट हो गया. तो उसको डाल देते हैं अपने पैन में. एक्सलेंट. और यहाँ पे दिस इज ऑल पर्पज फ्लावर, यानी कि मैदा. सो इसमें की है, जितना आप बटर डालोगे उतना ही मैदा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है. तो इसमें डाल देते हैं मैदा. और जब
मैदा डलेगा, इसके बाद आपको यू हैव टू कीप स्टिरिंग इट, आप स्टर कंटिन्यूसली, जैसे आप बेसन के लड्डू बनाते हो ना घर पे, सो लाइक दैट यू कीप स्टिरिंग। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पैन पैन पर स्टो पैन, सो यहाँ पे जो है ये अपना बन गया एक थिकनिंग एजेंट, और इसका नाम जो है इट्स कॉल्ड रू। सो रू इज एक्चुअली इन्वेंटेड, इट्स अ थिकनिंग सॉस इन्वेंटेड बाय अ वेरी फेमस फ्रेंच शेफ जिनका नाम था माइकल रू। तो अपना ये रू बन गया और उसमें बबल्स भी आ गए, जलना नहीं चाहिए इसको, अगर आप ब्राउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर रंग बदल जाएगा अपने मैक एंड चीज का। तो इसमें अभी मैं डालूंगा दूध, ये ऑलमोस्ट 1 कप दूध मैंने डाल दिया, एंड मिक्स करते रहेंगे जब तक वो अपना रू और ये कंबाइन हो जाए और सारा एक लिक्विड, मतलब कंबाइंड लिक्विड में, देखिए वहां पे साइड पे थोड़ा बचा हुआ है तो ये विस्क के साथ नहीं होगा, तो विल स्विच टू अ स्पून, थोड़ा सा साइड से निकाल के जैसे ये बीच में आ गया दोबारा विस्क के साथ मिक्स करते रहिए सिर्फ 1-2 मिनट जब तक थोड़ा गर्म ना हो जाए, ठीक है। देखिए काफी स्मूथ बन गया है, थोड़े बहुत लंप रहेंगे तो डोंट वरी, क्योंकि हम अब जो है सबसे बढ़िया चीज जिसको ये मैक एंड चीज बनाता है चीज डालेंगे इसमें, दिस अबाउट 2 कप्स, 2 कप चीज है, एंड ये वाला चीज जो है व्हाइट चेडर चीज है, आप मोज़रेला भी डाल सकते हैं, लेकिन व्हाइट चेडर का जो फ्लेवर है मैक एंड चीज का, उसका ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर व्हाइट चेडर का, और अमूल ये चीज बनाता है, हमने अमूल का ब्लॉक ग्रेट करके रख दिया पहले से ही। तो इसमें पड़ गया जी अपना 2 कप चीज। आप अगर आपको बहुत ही चीजी वाला पास्ता चाहिए तो और डाल सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है कि इतना ही डालना है, चीज तो आई मीन अपने हिसाब से होता है। तो देखिए ये इसको मिलाते रहेंगे जब तक फिर से ये स्मूथ ना हो जाए, और बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि अपना पैन जो है काफी गर्म है राइट नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव इट आउट। एंड देखिए मैंने जो रू पहले बनाया उसको मैंने ब्राउन नहीं किया, और उसको ब्राउन नहीं किया इसलिए हमारा सॉस भी अच्छा बढ़िया सा व्हाइट, इसका टेक्सचर देखिए व्हाइट क्रीमी परफेक्ट टेक्सचर, तो यस ऐसे ही चाहिए टेक्सचर आपको। ये तो बेसिक बन गया, मैंने हीट से निकाल दिया अभी के लिए, तो ये बन गया अपना मैक एंड चीज का चीज सॉस, सिंपल सा चीज सॉस देखिए, ओके। तो इसमें अभी डालेंगे थोड़े स्पाइसेस, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, मैं 1/2 चम्मच गार्लिक पाउडर डाल देता हूँ, उसमें बढ़िया सा फ्लेवर आएगा गार्लिक का, सबको गार्लिक तो अच्छा लगता है, डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है, एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर, परफेक्ट डाल दिया ब्लैक पेपर, आप अगेन ये अपने मर्जी से डालिए, मैं कम डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चे पेपर इतना खाते नहीं है, और मैंने पास्ता में नमक डाला है, चीज में भी नमक जैसे आपको पता है होता है ऑलरेडी, तो ज्यादा मत डालिए नमक, आपको बाद में चाहिए तो ऑब्वियसली कैन पुट मोर, मैं अबाउट 1/2 चम्मच, ज्यादा नहीं 1/2 चम्मच नमक डाल गया जी, बढ़िया। नाउ बैक टू अवर हीट, एंड एक बार से स्टर कर दीजिए ताकि ये गार्लिक और पेपर जो बढ़िया से फ्लेवर है वो सारे मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया, अब इसमें डालेगा अपना पास्ता मैक्रोनी जो हमने पहले से ही बॉइल किया है, और जैसे जैसे देखिए थोड़ा अड़का हुआ है ना, तो इफ यू डोंट वांट टू डू इट टू स्टिक देन इसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए, वो बिल्कुल अलग अलग रहेगा। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो क्वेश्चंस ओके। हाँ क्वेश्चन तो रहेंगे नहीं, रेसिपी बहुत इजी है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया पास्ता उतनी चीज के लिए तो मैं निकाल रहा हूं, अब इसको जो अपना हीट बंद कर देते हैं एंड सिर्फ मिक्स करना, और ये आपका बन गया बेसिक इजी बिगिनर्स मैक एंड चीज। अब इसके आगे अगर आप नॉनवेज हैं तो आप चिकन को ग्रिल करके चिकन ऐड कर सकते हैं,
वेजिटेरियन है तो मशरूम, ब्रोकली, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद आए डाल सकते हैं इसमें। एंड उसको क्या करते हैं, सेपरेटली ग्रिल में या पैन में थोड़ा फ्राई करके मशरूम्स को उसमें डाल दीजिए, फ्लेवर आ जाता है। और कई शेफ जो हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो क्या करते हैं, इसको एक ओवन सेफ डिश में डाल के बेक भी करते हैं, और बेक उसके ऊपर एक चीज का लेयर डालते हैं और फिर बेक करते हैं। उससे क्या होता है कि यू गेट अ नाइस क्रिस्पी लेयर ऑन टॉप। बट बेसिक मैक एंड चीज क्विकली, जैसे फटाफट बच्चों को शाम को भूख लगे आपको जल्दी में बनाओ, तो ये लो जी बन गया आपका, लुक एट दैट टेक्सचर मैक एंड चीज। अभी आपको मैं इसको ये प्लेट में डाल के आपको दिखा देता हूँ इसको सर्व कैसे करते हैं, थोड़ा टू मेक इट लुक प्रिटी, है ना। सो यहाँ पे आई एम यूजिंग अ ब्लैक प्लेट ताकि व्हाइट एंड ये व्हाइट मैक एंड चीज है, तो ये थोड़े बहुत टिप्स हैं जो फूड को मतलब प्रेजेंटेशन में हेल्प करती हैं। एंड अगर आपका डिश व्हाइट हो तो ब्लैक यूज कीजिए प्लेट ताकि वो डिश स्टैंड आउट हो जाए। थोड़ा सा प्लेट के बीच में डाल दिया, एंड अब इसके ऊपर मेरे पास जो है ये पार्मेजान चीज है, जिस पार्मेजान पाउडर ये आप कहीं पे भी स्टोर पे ले सकते हैं, मैं ये नहीं, मैंने बनाया नहीं है, इट्स स्टोर बॉट। सो पुट सम ऑन देयर, थोड़ा साइड पे भी ऐसे हल्का सा टू गिव इट सम कलर। एंड दिस इज फ्रेश पार्सली, ये अपने स्पार में सामने बैंगलोर में 15 रुपए का मिलता है, वेरी वेरी चीप, सो आई डोंट नो व्हाट इट कॉस्ट ऑफ, इट्स इजी टू गेट जो वेर एवर यू आर, बट अगर आपको मिलता है तो इट लुक्स रियली गुड ऑन अ प्लेट। ये डाल दिया थोड़ा सा, एंड ऊपर से डालेंगे। और एक और चीज, आपको अगर इसमें मिर्च चाहिए तो आप इसमें पैप्रिका, मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो पैप्रिका डाल सकते हैं या फिर रेड चिली फ्लेक जो थोड़ा तेज है, सो यू कैन पुट रेड चिली फ्लेक्स आल्सो ऑन इट, बट टुडे थोड़ा सा ऊपर से पैप्रिका रंग के लिए और थोड़ा फ्लेवर के लिए भी, बिल्कुल डस्ट करके, एंड परफेक्ट। और ये लो जी बन गया आपका मैक एंड चीज, सिंपल बेसिक रेडी टू ईट। एंड इसको क्यों नहीं टेस्ट किया जाए, कांटा नहीं है मेरे पास लेकिन छोटा सा चम्मच है। मुझे तो अच्छा लगा, एंड आशा है कि आपको भी अच्छा लगेगा, आप ट्राई करें। और क्योंकि ये बहुत जल्दी बन गया आपके लिए मैं एक और चीज बना रहा हूं इसके साथ जो वेरी जाएगा, जैसे पेरिंग जो है वो है सिंपल सा गार्लिक ब्रेड, तो इसको हटा के हम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं। तो आपके पास अगर तवा हो, प्लेन तवा जो रोटी बनाते हैं उसमें, वो भी चलेगा। एंड मैं, मेरे पास ये पैन है तो मैं यूज कर रहा हूं, तो फिर से अपना थोड़ा अमूल बटर इसमें, थोड़ा ज्यादा, व्हाटएवर यू वांट। सो बटर डाल दिया, इसको मैं थोड़ा मेल्ट कर रहा हूं माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए। आपको ये रेसिपी अगर अच्छा लगा, सिंपल सा लगा, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चंस हो हमारे YouTube चैनल में, जैसे कहा देयर ऑलरेडी अबाउट 125 रेसिपीज, एनी क्वेश्चन ऑन एनी रेसिपी ऑन आवर चैनल, प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क मी एनी टाइम। आई एम ऑन फेसबुक, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे द शेफप्रेनर 55, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब और ऑन फेसबुक, व्हाटएवर यू प्रेफर। एंड सो गार्लिक ब्रेड के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने 2 स्लाइस लेंगे ब्रेड के, और उसका जो साइड्स है हटा दिए क्योंकि बच्चों को नहीं अच्छे लगते, यू डोंट हैव टू रिमूव इट, यू कैन लीव इट लाइक दैट। तो ये देन आई हैव यहाँ पे गार्लिक छोटा छोटा, बिल्कुल फाइन सा चॉप किया हुआ गार्लिक, तो विल ऐड सम गार्लिक टू दैट बटर जो मेल्ट किया, बटर उसमें लहसुन यानी कि गार्लिक
डाल दिया। और यहाँ पे ओरिगेनो, आपके पास घर पे नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप डोमिनोज ऑर्डर करेंगे ना, थोड़े छोटे छोटे पैकेट मिल जाते हैं, मेरी बीवी जो है वो बचा के रखती है वो, तो वहां से भी ले सकते हैं। और वहां पे रेड चिली फ्लेक्स भी मिल जाएंगे आपको, तो इसको थोड़ा और क्रश करते हैं क्योंकि ये फाइन नहीं है डन। तो ये डाल दिया ओरिगेनो। और बाय द वे मेरी बीवी रिकॉर्ड कर रही है तो वहां मेरे को मार पड़ने वाले बाद में, लेकिन देखा जाएगा। एंड क्योंकि ये डिश बहुत लाइट है, उसमें कोई मिर्च नहीं है, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा सा मतलब तीखा बना देते हैं, किक चाहिए ना थोड़ा सा। तो मैंने ले लिया पेपर, ये रेड चिली फ्लेक्स उसमें डाल दिए। पैन भी तब तक अच्छा सा गर्म हो रहा है, विल मिक्स दिस टुगेदर क्विकली। और ये आपका बन गया बिल्कुल बढ़िया सा ब्रेड के लिए गार्लिक डिप, दैट्स इट, सिंपल। तो इसको यू जस्ट टेक दैट, ब्रेड पे डालिए, स्प्रेड कीजिए। और There's a question, can we add grated or minced garlic? Absolutely. तो grated, ये minced garlic जो आपका garlic जो paste आता है ना ready-made, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। fresh garlic काटने की जरूरत नहीं है, और भी आसान हो जाएगा आपका काम। Absolutely, you can do that. Thank you for the question. तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया, आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डाल सकते हैं। Excuse me. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ब्रेड को आप पहले से कर सकते हैं, लेकिन मैंने भूल गया टू बी ऑनेस्ट विद यू, सो द बॉटम नीड सम बटर, तो ऐसे लगा देते हैं अभी उल्टा। परफेक्ट। कभी कभी शेफ भी इम्प्रोवाइज कर ही लेते हैं, यू नो यू नॉट परफेक्ट, वी डू मेक मिस्टेक्स, है ना। ओके, तो इसको लगा दिया इन माई पैन। नेक्स्ट वन, नाउ आई वॉन्ट फॉरगेट, तो मैं पहले से डाल देता हूँ बटर। और मेरे को तो अमूल बटर आई लव इट, इट्स माई फेवरेट प्रोडक्ट लाइक आई सेड अर्लियर, तो मैं काफी डालता हूँ। आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं कम डालिए, नो प्रॉब्लम। और मैं जैसे आपने देखा, आई यूज बटर इवन इन दिस टू मेक माई गार्लिक टॉपिंग फॉर द ब्रेड, बट अगर आपको अगेन इफ यूर हेल्थ कॉन्शियस तो यू कैन यूज ऑलिव ऑयल, लेकिन अमूल बटर का स्वाद अमूल बटर का स्वाद होता है, सो इट विल टेस्ट डिफरेंट ऑफ कोर्स इफ यू पुट ऑलिव ऑयल। कभी कभी इफ यू गो टू नाइस इटालियन रेस्टोरेंट स्पेशली इन इटली, वहां पे दे ऑब्वियसली यूज ओनली ऑलिव ऑयल नॉट बटर, एंड दे यूज ईवो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है, एंड वो पकाते नहीं है, यू पुट दैट ऑन टॉप बिकॉज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज नॉट सपोज टू बी कुक्ड एट ऑल। तो इसको आप देखिए ब्रेड नीचे से बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो गया, एक्चुअली काफी ब्राउन हो गया, तो इसको क्विकली फ्लिप इट। एक बार, और आपको मेरे को आई लाइक इट गोल्डन ब्राउन, इफ यू लाइक इट डार्कर क्रिस्पियर प्लीज, जैसे आपको आपकी मर्जी, यू कैन मेक इट दैट वे। एंड दिस इज सिंपल गार्लिक ब्रेड। और द अदर थिंग इज इफ यू लाइक चीज, चीज हमारा बचा था, कहाँ रख दिया मैंने, एक बार ब्रिंग द चीज। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा चीज ग्रेट किया, तो आई पुट सम चीज ऑन टॉप ऑफ इट ऑल्सो, सेम चेडर चीज, और यू कैन पुट अदर चीज इफ यू वांट, नो प्रॉब्लम। एंड इसको जब आप घुमाएंगे अभी, वो चीज विल स्टिक, सो डोंट कीप इट टू लॉन्ग ऑन दिस साइड। तो ये हो गया आपका वन गार्लिक ब्रेड, बन गया जी नाइस ब्राउन गार्लिक, दिस इज विदाउट चीज, एंड दिस वन इसको चीज अटकेगा, सो क्विकली टर्न इट एंड यू विल स्प्रेड इट अराउंड। परफेक्ट। तो ये दो किस्म के चीज बन गए, अभी इसके ऊपर और भी चीज डाल सकते हैं क्योंकि अभी भी गर्म है, तो मेल्ट तो हो ही जाएगा। और ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट, मैक एंड चीज, तो उसके साथ बढ़िया गार्लिक ब्रेड। आई होप यू एंजॉय इट। अभी कोई भी क्वेश्चंस हो, एनी कमेंट्स,
please let me know. We'll wait for a minute or so to get time to air, and if not, then we can log off. I'll keep this here in front. I think we have 5 more minutes. 10 more minutes? Okay. Any questions? सिंपल सा चीज. लास्ट टाइम मैंने जो बनाया था एक गुलाब जामुन पार्फे बनाया था, उसमें पूरा आधा घंटा लग गया बिकॉज इट्स क्वाइट अ लॉन्ग डिश. दिस वन जब मैंने अमूल से बात की, उन्होंने कहा इस बार लॉकडाउन फिर से मतलब हो ही रहा है अपने देश में, सो प्लीज मेक अ डिश दैट इज ईजी एंड क्विक एंड एवरीबडी कैन मेक. तो मैं सोच रहा था क्या बनाऊं, और फिर मैंने सोचा यार मैक एंड चीज तो बनाते हैं बच्चों के लिए ऑल द टाइम, फटाफट भी बन जाता है, तो इसलिए आपका सेशन जो है आज 10-15 मिनट में ही हो गया. So, you know, thank you again, Amul, very much for having me for the third time. And, you know, if you invite me back, I'll come and make another dish. Agli baar kuch aur thoda sa complex cheese karte. But, no questions? No, there are people saying hi. Hi, everyone. Namaskar, thank you. Please show us how we can bake it. Oh, okay. Aaj main uske, I'm not ready for that today, but it's very simple. इसको अवन, जैसे ये मेरा डिश जो है, दिस इज अवन सेफ डिश, तो यू पुट दिस मैक एंड चीज इन देयर, एंड उसके ऊपर यू कैन यू पुट अ लेयर ऑफ चेडर चीज, सेम चीज, ग्रेटेड चीज एंड सम ब्रेड क्रम्स. वो ब्रेड क्रम क्या है, क्रिस्पी देता है. इफ यू एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, यू कैन इवन बीट एन एग एंड पोर इट ओवर. सो द एग उसको क्या करता है, इट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू बेक इट. एंड व्हेन यू पुट इन द अवन at about 180 degrees centigrade, you can bake it for about 10 to 12 minutes, not more than that, because otherwise it will burn on top. So that's how you bake it. Today I wasn't prepared for a baked macaroni, but next time maybe I'll make a vegetable macaroni bake for you, if that's what you like. And but thank you for that question. Any other questions? You're saying nice and easy dish. Thank you. Thank you very much. What is that black lining with that garlic? Black thing with that garlic? Black thing with the garlic? Which garlic? Black thing. I guess in the plate. Over here? Must be the oregano and the... That's oregano and that's red chili flakes. So red chili flakes, when you cook it a little bit, it starts to darken. Jaise aap lal mirch ko tel mein dalenge to thoda kala hi hoga. So that's what it is. But ye bread jo hai is perfectly crispy. And very yummy with this. So it's that. I think that's what you're asking. So hopefully I answer the question. Another question: should we cover it with foil? I guess when you're baking it. When you're baking, yes. You can cover it with foil. If you're putting egg, then cover it with foil so that it bakes well. But the last 5 minutes, remove the foil. अगर आप foil रखेंगे, तो वो top का जो layer है, crisp नहीं होगा, brown नहीं होगा आपका. So only for some time you cover it with foil, and after that you take it off. And ये जो डिश है, obviously I'm not covering today, but you can see it's already starting to dry up because cheese sauce जो है thicken हो जाता है, तो इसको immediately serve कीजिए, immediately खाइए. If you're not, then इसको भी cover करके रखिए. Another question: can we use mozzarella cheese? Yes, जैसे मैंने पहले बताया था in the beginning of the video, you can use mozzarella cheese. Cheddar cheese जो है इसको, mac and cheese जो US Europe जो European dish है, or a western dish rather, it's the classic cheese used is normally cheddar. And aap American style mac and cheese dekhenge, so they actually use yellow cheddar. So uska rang bhi kafi yellow sa hoga. So that's the best cheese to use, but absolutely you can use mozzarella cheese, you can use pizza cheese, any of those. Another question, you are making pasta? Sorry? Is that pasta? Yes. Dry dish, can we make it juicy or with gravy? Yes, you can. All you have to do is you have to add more of the sauce. If you go back to the beginning of the video, jab maine sauce banaya, uska jo quantity hai, aap usko double kar dijiye. If you double it, it will become more creamy and more liquidy, kind of gravy kind of sauce. Lekin jo traditional mac and cheese hai, this is the right consistency. Jaise you can see, isme cheese hai, you can get closer. It's not dry, there's a lot of cream inside the dish. That's how it's supposed to be, the mac and cheese, and lots of cheese still on my fingers. So
डबल हो जाएगा, फ्लावर डबल हो जाएगा, दूध डबल हो जाएगा और चीज भी डबल हो जाएगा। पास्ता इज माय फेवरेट, हर्ष इज सेइंग, इज इट व्हाइट सॉस और व्हिच वन इज इट? यस, दिस इज अ क्लासिक व्हाइट सॉस, दिस इज एक्चुअली अ चीज सॉस, नॉट एग्जैक्टली अ व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस डजंट हैव टू हैव चीज इन इट, बट दिस इज अ चीज, व्हाइट चीज सॉस इज व्हाट यू कैन कॉल इट, दैट्स व्हाट गोज इन अ मैक एंड चीज। Any more questions? No other questions. No, and Harsha, I think aapne pucha tha question about the white sauce. I have at least 3 or 4 more dishes. Actually, I have a recipe on my YouTube channel, same, The Chefpreneur. Uska link description mein, comments mein already hai. And there's an Alfredo sauce, there is a pesto sauce, there is a chicken with Alfredo sauce if you're a non-vegetarian. There's also a vegetarian pasta white sauce dish. So काफी सारे white sauce के अलग अलग dish बनाए मैंने YouTube पे, आप देख लीजिए। Is the sound okay now? Are people able to hear? Because I got 2 comments saying voice is not clear. I think your finger is down. That's because you're holding it. The mic is down there. Yeah. I hope you can hear now. Okay. Mm-hmm. Yeah. Great. I think that's it. यही बनाना था आपके लिए. Again, please, ये pandemic में, please stay safe, stay healthy. And Amul, thank you very much for this again inviting me to cook on Amul Live, which is the world's largest cooking platform. So great to be here. And please do subscribe to our YouTube channel, The Chefpreneur. There are a lot of exciting recipes there, काफी सारे, so I'm sure you'll like it. Okay? Thank you.